Welcome back to my channel Divya's Academy, and today we'll be doing the third chapter of science, which is fiber to fabric. So this chapter was also there in our class 6th science textbook. So as we moved up in class 7th, so there will be some more information about this chapter. So without wasting any further time, let's continue with this chapter. So in class 6 you have learned about some fibers obtained from plants. हम class 6 में हमने पढ़ा था कुछ कुछ fibers जो हम obtain करते हैं plants से, like cotton and jute. हमने class 6 में, ये हमारे chapter 3 था, ये fiber to fabric, इसमें हमने natural fibers plus animal fibers के बारे में पढ़ा था. So मतलब नेचुरल फाइबर्स में इंक्लूड होते हैं एनिमल एंड प्लांट फाइबर्स. तो हमने पढ़ा था नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स के बारे में. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉटन या फिर जूट या फिर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं, हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के ऊपर. सो आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है एनिमल फाइबर्स के ऊपर. सो इस चैप्टर में हम दो एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वुल एंड सिल्क. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक. सो जो वुल है वो हम ऑब्टेन करते हैं यहाँ पे फ्लीस. फ्लीस का मतलब होता है हेयर, मतलब जो शीप या फिर याक के हेयर होते हैं हम उससे बोलते हैं फ्लीस. सो फ्लीस ऑफ शीप और याक, जो शीप या फिर याक या फिर जो भी एनिमल्स हैं उनके हेयर को हम बोलते हैं फ्लीस. सो सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. और जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो हम उससे गेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ से. सो हम इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में, मतलब वुल एंड सिल्क के बारे में पढ़ेंगे. सो पहला हमारा टॉपिक है वुल. तो वुल कम्स फ्रॉम शीप, कोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. जो ऑब्टेन करते हैं शीप से, गोट से या एंड और भी कुछ एनिमल्स, जैसे अल्पाका, लामा एट्सेट्रा. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बैर हेयर ऑन देयर बॉडी. सो ये जो वूल यील्डिंग एनिमल हैं इनके बॉडी पे इनका हेयर होता है, और वो हेयर हमें यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे आपको हेयर दिख रहा है वो हेयर हम यूज़ करते हैं वूल के तौर पर. सो डू नो Why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. So, जो hair होता है इनका वो बहुत ढेर सारा air trap कर लेता है. और हमें तो पता ही है air is a poor conductor of heat. और हम ये सब जितने भी heat के बारे में है हम ये chapter 4 में पढ़ेंगे. इसमें और detail से दिया है, conduction, convection, radiation सब दिया chapter 4 में. वुल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. सो इनके जो पूरे शरीर पे ये जो फाइबर्स मैंने आपको बोला था यहीं से ऑब्टेन होता है हमारा वूल, जैसे मैंने आपको बोला था. Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece, the coarse of beard hair and the fine soft under hair to close the skin. मतलब ये जो शीप होते हैं इनके भी दो टाइप के फाइबर्स होते हैं. जो होता है पहला द कोर्स पैट ऑफ हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. यहाँ पे अंडर हेयर का मतलब ये है कि ये जो इसकी नीचे का जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ से हमको जो सिल्क मतलब सॉरी वुल मिलता है उसे हम बोलते हैं, मतलब ये इसका एक और टाइप है शीप का. द फाइन हेयर प्रोवाइड द शीप्स फॉर मेकिंग वुल, मतलब इन्हीं से वुल बनता है. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, मतलब कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ शीप होते हैं जिनमें जो अंडर हेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है जो इनका अंडर हेयर होता है. यहाँ पे Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो यहाँ पर हमें गौर करना है कि हम ना पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, जिन पेरेंट्स का जो अंडर हेयर अगर सॉफ्ट होगा
जिन पेरेंट्स, रुकिए मैं इसको बताती हूँ, जैसे कि ये पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर उनका अंडर हेयर सॉफ्ट होगा तो उनके, ऑब्वियस सी बात है, उनके बच्चों का भी अंडर हेयर सॉफ्ट ही होगा, तो इसलिए उन सब पेरेंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं कि जिन पेरेंट्स के सॉफ्ट अंडर हेयर हैं, इसीलिए तो इसी से तो हमारा वुल भी सॉफ्ट होगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जो इस प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम वो मतलब शीप को सेलेक्ट करते हैं फॉर गेटिंग वूल। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसे कहते हैं? जब हम शीप को सेलेक्ट करते हैं कि अगर उनका अंडर हेयर सॉफ्ट है कि नहीं, जिस प्रोसेस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सो हमें यहाँ पे इमेज में गिवन है कि यहाँ पे शीप है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, इस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं अपना वूल। और यहाँ पे हमें ये गिवन है कि कितने ढेर सारे टाइप के यहाँ पे हैं एनिमल्स जो हमें वूल देते हैं, अंगोरा गोट, कोट्स, कैमल या क्लामा, एल्पका। सो वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। सो जो गोट से भी, जैसे यहाँ पे गिवन एग्जांपल, हम वूल ऑब्टेन करते हैं गोट से। सो द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, मतलब ये कश्मीरी गोट है तो इसका जो जो फर होगा नीचे वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो जब इसको, जब हम इसको निकालते हैं इसके वूल को इसके बॉडी से, तो हेयर को हम शॉल में कन्वर्ट करते हैं, और उस शॉल को हम बोलते हैं पश्मीना शॉल, जो बहुत फेमस है कश्मीर में। सो फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब हम देखेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इफ यू ट्रैवल टू द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। हमने बहुत बार देखा है, जैसे कि बहुत ढेर सारी मूवीज भी हैं जिनमें हम देख सकते हैं शेफर्ड्स जो अपने साथ बहुत ढेर सारी शीप लेके जाते हैं। तो यहीं पे वही दिया, जैसे उत्तरांचल में देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हैं। शीप्स आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। तो जो शीप्स होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं, और हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, हम उन्हें वो घासें देते हैं, वो घासें खाती हैं बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रेयरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सिस कॉर्न, जोवार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। इन विंटर शीप आर केप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। मतलब हम जो शीप हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। क्यों अच्छे से ट्रीट करते हैं? अगर हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, उन्हें हेल्दी फूड मिलेगा, वो खुद हेल्दी बनेंगे, उनसे जो वुल हमें ऑप्टेन हम करेंगे उनसे जो वुल ऑप्टेन करेंगे वो भी फिर बहुत ही सॉफ्ट होगा, इसीलिए हम उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल। सो हमारे कंट्री में, जैसे कि यहाँ पे सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप दिया है, जैसे नेम ऑफ ब्रीड लोही, रामपुर, बुश हेयर, नली, भाकरवल, मारवाड़ी, पातनवड़ी। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे ब्रीड दिए हैं, और क्वालिटी ऑफ वुल स्टेट, मतलब जहाँ पे ये स्टेट में जहाँ पे ये फाउंड होते हैं ये वुल, यहाँ पे स्टेट भी दिया है। तो ये है टेबल। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। सो अब हम देखेंगे कि हम वुल कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम शीप की बॉडी से हम वुल निकालते हैं तो शीप को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, वो भी खुशी खुशी, मतलब खुशी खुशी नहीं बोल सकते हैं, वो भी निकल जाता है उसके बॉडी से। ऐसा नहीं है कि हम उसे बहुत वो अपने कंट्रोल में करते हैं, टॉर्चर वगैरह या फिर ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उन्हें, मतलब उन्हें कोई तरह की परेशानी नहीं होती है। सो जो स्टेप वन है जिससे हम अपना वुल ऑब्टेन करते हैं, सो सबसे पहले तो हम उसकी बॉडी से फ्लीस
मैंने बोला था फ्लीस, फ्लीस का मतलब होता है हेयर ऑफ शीप। सो जो हेयर है शीप का वो एक बहुत थिन लेयर होता है और उसे हम उसकी बॉडी से रिमूव करते हैं। सो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम शीप के बॉडी से वुल को निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शियरिंग। शियरिंग इज द प्रोसेस बाई विच वी टेक आउट द फ्लीस हेयर, द फ्लीस ऑफ द शीप। सो बहुत ढेर सारे मशीन्स हैं जिनसे हम यूज़ करते हैं उनका शेयर करने के लिए, जैसे कि जो बार्बर्स यूज़ करते हैं शेव ऑफ हेयर। जब अपने आप जब गए होंगे तो वहाँ पे आपके हेयर को शेव करने के लिए जो मटीरियल यूज़ करते हैं, वैसे ही सेम मशीन होता है शेयरिंग के लिए। जो इसका जो हेयर होता है शीप का जो हेयर होता है वो यूजुअली हम निकालते हैं समर में। समर में क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये जो शीप होती हैं इनका बहुत थिक कवरिंग होता है ऊपर से, तो जब समर में अगर वो उसी कवरिंग में रहें और ऊपर से उन्हें इतनी धूप मिल रही है और उनका बॉडी वैसे ही अंदर गर्म है, तो फिर वो उनके डाई होने के बहुत ढेर सारे चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले कि जब समर होता है तभी हम उसका वो निकालते हैं हेयर, ताकि उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इससे जब हम उसका निकालते हैं तो वो जिंदा रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम उसका बाल निकाल दिया तो वो मर जाएगी। हम भी अपने बाल कटवाते हैं तो हम मर जाते हैं, नहीं ना? तो वैसे ही शीप भी नहीं मरती है, वो भी जिंदा ही रहती है और फिर से उसके बॉडी पे ग्रो कर जाता है न्यू हेयर्स, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हम शीप की बॉडी से निकालते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर 3.8, इसमें हमें देख सकते हैं कि एक शीप लेटी हुई है, उसके ऊपर से एक इंसान उसका वूल निकाल रहा है और शीप को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सेकंड स्टेप है द शियर स्किन विद हेयर इज थॉरली वॉश इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस। मतलब जो सेकेंड स्टेप होता है, जो उसका वूल है मतलब जो उसकी बॉडी से जो फ्लीस निकला है, उसको बहुत अच्छे से वॉश करते हैं ताकि उसमें जितना भी डस्ट लगा है, डर्ट लगा है, क्योंकि शीप्स ऐसे उधर उधर खेलती हैं, फिर कुछ भी उनके वूल पे, उनके फ्लीस पे अगर कोई दाग वगैरह या फिर कुछ भी ख़राब हो गया, दोनों पहले अच्छे से धुला जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग। सो नाउ इट इज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। अब तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो बहुत ढेर सारे काम जो है मशीन से हो जाते हैं, जैसे कि जो स्कोरिंग है, जिस प्रोसेस में हम उसके वुल को अच्छे से धुलते हैं, उस प्रोसेस को अब मशीन्स भी कर लेती हैं। तो पहले स्टेप में शियरिंग, द रिमूवल ऑफ फ्लीस, एंड दूसरे स्टेप में स्कोरिंग विच इज़ द वॉशिंग ऑफ द फ्लीस। नाउ द थर्ड स्टेप आफ्टर स्कोरिंग, सॉर्टिंग इज डन। सो स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग में क्या होता है, दिस हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो मतलब इसके बाद जब स्कोरिंग हो जाता है तो उसके बाद सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग में क्या होता है कि जो उनके हेयर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के फिश शीप्स होते हैं, तो किसी के बड़े होते हैं तो किसी के छोटे होते हैं। तो ये सब जो बड़े छोटे हैं ये जाते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जितने भी बड़े हैं, जो बड़े हेयर्स हैं वो मतलब जो डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, तो वो जो एक साथ, जैसे जो बड़े बड़े हैं वूल उसे एक साथ रखा जाता है, जो छोटे वूल हैं उन्हें एक साथ रखा जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉर्टिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिफरेंट टेक्सचर्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है फैक्ट्री में। अब फोर्थ स्टेप है, अभी हमने थर्ड स्टेप देख लिया। पहला स्टेप है शियरिंग, दूसरा स्टेप है स्कोरिंग, तीसरा स्टेप है सॉर्टिंग। सो अब फोर्थ स्टेप देखते हैं। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड पर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। जैसे कि हमने देखा होगा, हम जब स्वेटर्स पहनते हैं जब बहुत ठंडी रहता है विंटर के टाइम में, तो हमारे कपड़े पर बहुत छोटे छोटे ऐसे धागे लगे रहते हैं, मतलब कुछ ऐसा लगा रहता है, तो उसे हम बोलते हैं बर्स। तो
वैसा ही पर्स इसके शीप के बॉडी पे भी लगा रहता है। दीज आर द सेम पर्स विच समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर स्वेटर्स। मैंने जैसे बोला कि ये आपके स्वेटर्स पे भी अगर आप ध्यान दें तो छोटे 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 ऐसे लगे रहते हैं। इनको हम बोलते हैं बर्स, BURRS। सो द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। तो मतलब उन्हें फिर से अच्छे से, जब उनको सेपरेट कर दिया जाता है तो उन्हें फिर से अच्छे से धुला जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स। अब जब इसे बहुत अच्छे से साफ कर दिया गया, डिफरेंट टेक्सचर सेपरेट आउट हो चुके हैं, तो अब हम इसे क्या करते हैं, डाई करते हैं। सो ताकि हमें डिफरेंट कलर्स मिल सकें। सो द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो मतलब सबको अच्छे से कलर किया जाता है, जितने भी डिफरेंट टेक्सचर्स हमने ऑब्टेन किए हैं। सो अब सिक्स स्टेप है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कोम्ब एंड रोल्ड इन टू यार्न। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इन टू वूल और स्वेटर्स। और इसके बाद जितने भी डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर्स होते हैं, हम उन्हीं के हिसाब से वूल बनाते हैं स्वेटर्स के लिए। शॉर्टर फाइबर्स एंड स्पन एंड वोवन इन टू वुलन क्लॉथ। और जो सिक्स स्टेप है, हम उसे एक नाम दे सकते हैं। हम उसे क्या नाम दे सकते हैं? कार्डिंग, CARDING, कार्डिंग। ओके, सो सिक्स जो स्टेप है, हम उसे कार्डिंग नाम दे सकते हैं। तो पहला स्टेप है शेयरिंग, देन स्काउरिंग, देन सॉर्टिंग, देन जो उसका बर्स होता है उसे अच्छे से साफ करते हैं। फिर उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है डाइंग ऑफ वुल, और जो सिक्स्थ स्टेप है कार्डिंग। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर, मतलब अपने ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे ये सिल्क से, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इवन हिट द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एंड बाय बाय।